आप सबका इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कोर्स जिसका नाम है एमएलटी। तो इसकी हम पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका एमएलटी कोर्स की डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन, एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से होते हैं, एमएलटी कोर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर टाइप ऑफ एमएलटी कोर्सेज मतलब डिग्री, डिप्लोमा, कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं, कोर्स कंप्लीशन में कितना टाइम लेता है, और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, जॉब क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ये पूरी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एमएलटी क्या होता है। एमएलटी फुल फॉर्म मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके फुल फॉर्म से हम समझ पा रहे होंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो बंदा ये कोर्स करता है वो एक लेबोरेटरी के अंदर किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, या उसको फैलने से रोकने में, या किसी को वो डिजीज़ है या नहीं है तो उसके बारे में एक कम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ये हो गया अपना इसके फुल फॉर्म और क्या इसकी इसका स्कोप रहेगा, कितने मतलब ये हो सकता है, ये कोर्स में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये आगे देखने वाले हैं। एमएलटी कोर्स क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन एमएलटी कोर्स कर सकता है। तो एमएलटी कोर्स करने के लिए आपको या डिप्लोमा करना हो तो आपको 10th क्लास पास आउट होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और अगर आपको डिग्री करनी है, बैचलर्स डिग्री करनी है, तो आपको 12th क्लास पास आउट होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो। और होना ये चाहिए कि एमएलटी करने के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों वाले बच्चे ही आगे एमएलटी कर सकते हैं। और इसमें होता ये है कि आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी कंपलसरी होता है 12th क्लास के अंदर, क्योंकि एमएलटी कोर्स है वो हिंदी के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। इसके अंदर 12th क्लास के अंदर आपकी मिनिमम ग्रेड्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 to 55। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएलटी में एडमिशन कैसे ले 2023 के अंदर। तो अपन एमएलटी के अंदर एडमिशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो मेरिट बेस पे भी हो सकता है, दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम पे भी होता है। तो फ्रेंड्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो हमेशा मेरिट बेस पे लेती है, मतलब जितने आपके 12th क्लास पे मार्क्स हैं उनके हिसाब से लेती है, और जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हैं वो सारे ही कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे पैरामेडिकल में या एमएलटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो अपन कुछ मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एम्स पैरामेडिकल, उसके बाद में नीट, फिर जिपमर, फिर पीजीआई पैरामेडिकल। फ्रेंड्स ये कुछ मेन एग्ज़ाम्स हैं जो आप क्रैक करके एमएलटी लैब टेक्नीशियन के अंदर अपनी एक रैंक हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमएलटी कोर्स सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको 4 साल के अंदर। फ्रेंड्स 3 साल में इसमें एकेडमिक्स होता है और 1 साल के अंदर आपका इसमें जो है हॉस्पिटल ड्यूटी या जिसको अपन इंटर्नशिप बोलते हैं, पैट सिलेबस होता है इसका, क्योंकि बैचलर कोर्स है और एक मतलब मेडिकल के अंदर है तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि आपका कोई भी टेस्ट गलत नहीं होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, डायग्नोस्टिक पढ़ाया जाता है, डायग्नोस्टिक मॉलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली हमने कि आपको किस किस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कि एमएलटी कोर्स है वो कौन कौन कर सकता है या कितने बेसिस पे होता है। तो फ्रेंड्स बता दें कि एमएलटी डिप्लोमा लेवल पे भी होता है, फिर बीएससी लेवल पे भी होता है, मतलब यूजी पे भी होता है, और पीजी लेवल पे भी होता है जिसमें एमएससी बोल सकते हैं अपन। तो डीएमएलटी होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर बीएससी हो गया बीएससी एमएलटी, तो बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और एज द सेम एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स डिप्लोमा है वो 2 ईयर्स का कोर्स है, बीएससी है वो 4 ईयर का कोर्स है, और एमएससी है वो बीएससी के बाद 2 ईयर्स का कोर्स है। अब अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी करते हैं तो आपकी एनुअल फ़ी कितनी आने वाली है।
सवाल ये है, अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके आपको उसमें सीट मिलती है, तो आपकी जो एनुअल फीस होगी वो 10,000 से लेकर 20,000 तक। और यही सेम अगर आप एनुअल फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बात करें, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंड 70,000 से लेके 1,00,000 तक फीस हो सकती है। और यही एमएससी की बात करें तो एमएससी के अंदर भी सेम ही रहने वाला है कि 10,000 से लेके 20,000 रुपये आपकी फ़ीस हो सकती है, जो कि एमएससी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में, और 50 से लेके 1,00,000 रुपये तक सैलरी प्राइवेट कॉलेज में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपन कि आप एक बार अगर आपने कर लिया एमएलटी कर लिया, आपने बीएससी एमएलटी कर लिया, तो उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आपकी सैलरी रहने वाली है, मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 से लेके रहने वाली है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे अपनी सैलरी बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बीएससी एमएलटी के बाद अपने को जॉब कौन से फील्ड में मिलने वाली है या अपना काम क्या होगा। तो फ्रेंड डिप्लोमा के बाद अपन लैब असिस्टेंट, हेल्थ केयर असिस्टेंट, लेबोरेटरी सिस्टम एनालिटिक्स, हेल्थ एंड सेफ्टी असिस्टेंट एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं। और यहीं से फ्रेंड्स अगर अपन बीएससी करने के बाद अगर अपन जॉब स्कोप की बात करें तो वो रहता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट। तो फ्रेंड्स ये अपनी बीएससी के बाद जो अपनी जॉब्स हैं वो रहने वाली हैं। अब अगर अपन एमएससी के बाद जॉब की बात करें तो उसमें होता है लेबोरेटरी मैनेजर। इसमें फ्रेंड्स जो पोस्ट है उसके हिसाब से पैसे भी बढ़ते जाते हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, तो इन सभी की सैलरी है वो अलग अलग होती है। लेबोरेटरी मैनेजर, ये एमएससी के बाद का फ्रेंड्स बात करें अपन, लेबोरेटरी मैनेजर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, लैब टेक्नीशियन, बायोमेडिकल एनालिस्ट और सैंपल एनालिस्ट। और फ्रेंड्स जो एमएससी के बाद जो अपनी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 50,000 से लेकर 17,000 रुपये पर मंथ। और अगर आप यही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बात करें या गवर्नमेंट एग्ज़ाम करके आप गवर्नमेंट के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब करते हैं, तो आपकी सैलरी 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक आराम से हो सकती है। अब अपन बात करें कि टॉप कॉलेजेस, फ्रेंड ये जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हर बार सेम नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। तो आप एडमिशन लेने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि किसकी सैलरी, किसकी रैंकिंग क्या चल रही है। सीएमसी वेलोर, बीएचयू, जिम्मर, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, ये फ्रेंड्स कुछ मेन और टॉप यूनिवर्सिटीज़ बता दी हमने जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमएलटी के लिए। फ्रेंड्स ये होता है कि अपन किसी भी कोर्स में एडमिशन ले तो हमें पता होना चाहिए कि उस कोर्स के लिए आप में क्या स्किल होनी चाहिए या आपको क्या, आपके प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें बात करते हैं अपन, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए एमएलटी के लिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने चाहिए, आपको रूल फॉलो करने आने चाहिए, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ मेडिकल के अंदर तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने आने चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि अगर मिनिमम लेवल क्या होता है मैक्सिमम लेवल क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए, और आपको कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होना भी होना ही चाहिए कोई भी मेडिकल कोर्स। तो जॉब स्कोप की अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं कि एमएलटी करने के बाद सबसे ज़्यादा हाइएस्ट सैलरी कौन देता है या हाइएस्ट सैलरी कौन ले सकता है। तो फ्रेंड्स हाइएस्ट सैलरी मिलती है एम्स के अंदर जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अपोलो हॉस्पिटल, पत्रा हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, फोर्टिस और कैक्टस ग्लोबल। तो फ्रेंड्स ये जो अपन मेन अपने हॉस्पिटल्स थे जो अपने को अच्छी सैलरी देते हैं एमएलटी करने के बाद। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने बीएससी एमएलटी के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।